आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। यूपी के सीएम योगी ने अपराध व अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के 6 महीने पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां बताई। प्रदेश की सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जेल मैन्यूल को बदल एंटी नारकोटिक्स का गठन किया। जिले में अपराधियों के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई, जिसके चलते प्रदेश में अपराध कम होते दिख रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने ई प्रोसिक्यूशन मोबाइल ऐप, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन, अयोध्या में एसटीएफ का गठन जैसे योजनाओं का संचालन कर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा। खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नगर विस्तार सेक्टर 4 में 7 सालों से चली आ रही दुर्गा पूजा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता रहा। वहीं इस बार लखनऊ विकास प्राधिकरण व पुलिस की टीम ने पूजा पंडाल को तोड़ दिए हैं, जिसके चलते लोगों के अंदर काफी रोष है। साथ ही एलडीए के वीसी ने मामले को संज्ञान में लेकर समाधान का आश्वासन दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा के सलाहकार ने पूरी घटना पर सीएम योगी को ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी। हम लोग सेंट्रल पार्क में 2015 से गोमती नगर विस्तार में पूजा करते आ रहे हैं। 2019 तक लगातार पूजा की है 5 साल। उसके बाद 2 साल थोड़ा सा कोविड के लिए गैप हो गया। हम लोगों का पूजा जो होता है वो एकदम शुद्ध विशुद्ध सिद्धांत मत से होता है, सनातन पद्धति से। हमारे पंडित जी आते हैं हावड़ा के, जो है हावड़ा से, वेस्ट बंगाल से 2 लोग आते हैं, और भोग बनाने के लिए भी एक जो है पंडित को लाया जाता है। हर रोज़ माता रानी को अन्न भोग चढ़ाया जाता है, और ये अन्न भोग फिर जो है जो श्रद्धालु उस समय रहते हैं उनमें बांटा जाता है। नहीं, हम लोग, मैं बसंत खंड रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का सचिव हूँ, और सन 2015 से हम लोग सेंट्रल पार्क में माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश लेके 19 तक हम लोगों ने लगातार उस पार्क में पूजा की। बाकायदा हम लोग को उसकी परमिशन मिलती थी, और दो वर्ष 2020 और 21 में कोविड के कारण हम लोगों ने पार्क में मूर्ति स्थापना नहीं। भाई साहब, हम लोग 2015 से माता रानी की पूजा वहाँ पे करते आए हैं निरंतर। ये 8वां वर्ष है हमारा। 5 वर्ष हम लोगों ने लगातार वहाँ पूजा करी है, और पिछले 2 वर्ष कोविड के कारण हम लोगों ने वर्चुअल पूजा करी है। और जो हमारी 2019 में ठीक कोविड के पहले की जो पूजा थी, वहाँ पे गोमती नगर विस्तार के इंडिपेंडेंट हाउस और 20 जो अपार्टमेंट हैं उनके मिला के करीब 8 से 10 हज़ार पब्लिक वहाँ पे आती है। वहाँ पे माता रानी की पूजा करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, डांडिया होता है, बच्चों के प्रोग्राम होते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, और सारी जनता इस प्रोग्राम का वर्ष भर इंतजार करती है। गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्र चेतना उत्सव दृष्टि 2047 के मुख्य अतिथि राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र रहे। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। दीक्षा भवन भवन सभागार में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, सदर सांसद रवि किशन और विश्वविद्यालय कुलपति राजेश समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर रामपुर से है, जहां पर युवक के ऊपर चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया। दरअसल युवक के घर के पास ही किसी काम से किराने की दुकान पर गया था, तभी कुछ लोगों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी और धारदार हथियार से हमला कर दिया। चीख पुकार मचने पर लोग इकट्ठा हो गए और चारों आरोपी फरार हो गए। परिवार वालों ने युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की तहरीर थानागंज में दी जा चुकी है। खबर सोनभद्र के पीपरी से है, जहां भाजपा नेत्री ईशिका पांडे की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय
की जन्मदिन मनाकर संचालन प्रमोद जायसवाल समेत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खबर लखनऊ से है, जहां माफियाओं ने पुलिस के साथ मिलकर 307 SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराकर पीड़ित को जेल भेज बंद करा दिया है। वहीं पीड़ित ने कहा कि एक तरफा कार्रवाई में पुलिस उसका मुकदमा नहीं कर रही है। पीड़ित CM योगी से घटना की जांच करा न्याय की गुहार लगाई है। हमारी पुश्तैनी जमीन है हाईवे पर अनवारी के पास, वहाँ का भू माफिया सिराज और वहाँ का प्रधान है मोहम्मद हाफिज और मुस्तफ़ा हुसैन, ये सब मिल करके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते। उन्होंने जबरदस्ती हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। स्टे होने के बावजूद हमारा कमीशन होना था, कमीशन में ये लोग जो है वहाँ पे खूब भारी संख्या में ये लोग मौजूद थे। जैसे ही कमीशन और असलह से लैस थे, वहाँ पर हम लोग के ऊपर फायरिंग की, हम लोग की 2 गाड़ियाँ तोड़ दी गई और आज भी उनका निर्बाध कार्य जारी है। स्टे हमारा सिविल कोर्ट से है लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। खबर औरैया से है, जहां भाजपा के सांसद रामशंकर कठेरिया ने विधुना पहुंच पंडित दीनदयाल के चित्र पर माल्यार्पण कर दीनदयाल के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव पर विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा, पहले वो अपना नेता तय करें कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। वहीं ANIA और FCFI की कार्रवाई को जायज बताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ भाजपा सरकार सख्ती कार्रवाई करेगी। हम सब जानते हैं कि 2014 में विपक्ष की क्या स्थिति रही थी और उसके बाद जो 2019 के चुनाव हुए उसमें भी इसी तरह की स्थिति बनी थी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2024 के आम चुनाव में उसमें भी विपक्ष की यही भूमिका रहेगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए पार्टी सरयू से संगम तक सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में एक पद यात्रा निकाली जाएगी। महंगाई भगाओ रोजगार बचाओ नारे के साथ आम आदमी पार्टी के सरयू तट से 11 अक्टूबर को पद यात्रा निकाली गई, जिसका समापन 21 अक्टूबर को प्रयागराज में होगा। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने सिविल लाइन स्थित एक होटल में कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनाव को लेकर एक बैठक भी की है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव पूरी मजबूती पूरी ताकत के साथ सभी सीटों पर हम लड़ने का काम करेंगे। हम उसकी समीक्षा करने आए हैं, बातचीत करने अपने साथियों से आए हैं कि पार्टी का संगठन ढांचा कैसे मजबूत हो, पार्टी को कैसे अच्छे उम्मीदवार मिले। दूसरी तरफ इस देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है और देश के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मोदी जी ने वादा किया था, 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, सिर्फ 7 लाख लोगों को देश में नौकरी मिली। माननीय सांसद जी जो 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक जो पदयात्रा कर रहे हैं सरयू से संगम तक, वो हमारा नारा होगा महंगाई भगाओ रोजगार बचाओ जो है यात्रा है। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। श्री रामलला के मंदिर निर्माण में लगभग 500 से ज्यादा बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगाए जा चुके हैं। गर्भगृह का निर्माण लगभग 40% पूरा हो चुका है। वहीं महासचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए कहा कि रिटेनिंग वाला काफी मात्रा में बन गई है, बारिश खत्म होने के बाद परकोटे का काम शुरू किया जाएगा। औसत 25,000 लोग आ रहे हैं, मेले में लाखों लोग आ जाते हैं। श्रावण मेला, रामनवमी परिक्रमा, कार्तिक पूर्णिमा, भगवान का विवाह पंचमी, 1 जनवरी, दीपोत्सव, या लाखों लोग आते हैं, शायद ये लाखों लोग रोज आया करेंगे। अयोध्या के समाज का व्यापक आर्थिक विकास होगा। जब समाज आता है तो हर चीज़ पर टैक्स लगता है, उसका टैक्स का पैसा जनता का नहीं सरकार को जाता है, लेकिन जनता को भी लाभ होता है, छोटे से छोटे व्यापारी को लाभ मिलेगा।
खबर अयोध्या से है, जहां यूपी के अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम के अधिकारी ने बताया कि जिस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत हाथ से मैला धोने की प्रथा समाप्त कर दी गई, उसी तरह प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना दलितों का सामूहिक आर्थिक सशक्तिकरण करके सदियों से चलते आ रहे दलित त्रासदी को समाप्त करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया। साथ ही शहरी और ग्रामीण दोनों SC वर्ग के लोगों इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। अनुसूचित जातियों को बड़ा दलित उद्यमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक अप्रतिम योजना लॉन्च की गई है, और वह है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अभी तक हमारा जो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम था, वह मात्र 56,000 रुपये वार्षिक आय सीमा के लोगों को रोजगार के अवसर देता था। अब हमने उस आय सीमा को पूरी तरह मुक्त कर दिया है और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के किसी भी आय सीमा के लोग हमारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। बिजनौर जनपद में नशे की रोकथाम के लिए नया सवेरा अभियान के तहत नशीले पदार्थों के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए। इस दौरान बिजनौर पुलिस ने गैर जनपदीय तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके आसपास की भारी मात्रा में गांजा भांग बरामद किए गए। साथ ही आरोपी तस्कर को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। शासन द्वारा नशीले पदार्थों के क्रय विक्रय परिवहन का एक अभियान चलाया जा रहा है, और उसी क्रम में जनपद में नया सवेरा नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग जो इसके नशीले पदार्थों के क्रय विक्रय करने वाले हैं पेडलर, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो इसमें पीड़ित हैं उनको भी चिन्हित करके उनको नशा मुक्ति की तरफ ला करके उनको परिवार से समाज से पुनः जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जो है चाँदपुर की टीम ने एक व्यक्ति राजन उर्फ राजू शर्मा, निवासी हरदोई का है, इसे गिरफ्तार किया, और इसके कब्जे से 106 पुड़िया गांजा, 36 किलोग्राम सूखी भांग, 46 पुड़िया भांग की गोली, 3 पैकेट, इसी तरह से कई प्रकार के नशीले पदार्थ पाउडर उससे मिले जो है। औरैया के आवास विकास कॉलोनी में इस समय समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इसी को लेकर आवास विकास जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी से मुख्य मार्ग को दुरुस्त कराए जाने की मांग की गई है। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि लालजी शुक्ला ने उनकी समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द समाधान किए जाने की बात कही। इस मौके पर मुख्य रूप से अनुराग अग्रवाल, देवेंद्र त्रिपाठी समेत कई लोग मौजूद रहे। आवास विकास में जल भराव की समस्या है एक, और दूसरी चीज कुछ सड़कें बनी नहीं, नगर पालिका प्रशासन अर्थ के अभाव में उसको पूरा नहीं कर पाया। कुछ समस्या ऐसी थी इसको नगर पालिका ठीक कर सकता था, तो समिति के लोगों ने, जल कल्याण समिति के लोगों ने आज हमें बुलाया और बताया कि बड़ा पर्व नौ दुर्गा का आने वाला है, जिसमें शहर के बहुत से श्रद्धालु काली मैया मंदिर पे आते हैं और इधर से ही उनका निकलना होता है, ये मेन सड़क है आने जाने के लिए, तो इस पे कीचड़ भरा हुआ है। हमने अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते इन सम्मानित जनों को, लोगों को ऐसा आश्वासन दिया है कि 24 घंटे में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो उद्देश्य हम लोगों की ये मासिक बैठक थी, जो आवास विकास जन कल्याण समिति की हर मंथ एक बैठक होती है, उस बैठक में जो आवास विकास परिसर में व्याप्त असुविधाएँ आवास विकास के अधिकारियों द्वारा जो यहाँ हैं उसके संदर्भ में बैठक में चर्चा हुई। अभी 3 दिन पहले सत्ता दल के जिलाध्यक्ष, उप जिलाधिकारी महोदय, नगरपालिका के EO और JE, जिनको समिति के लोगों ने ये कहकर बुलाया था कि काली माता मंदिर रोड, जो कि आवास विकास से काली माता मंदिर जाते हैं, इस रोड की स्थिति अत्यधिक खराब है, इसको इस लायक कर दिया जाए कि श्रद्धालु आराम से जा सकें। तो 2 दिन पहले वहाँ पर सड़क की मरम्मत तो की गई, लेकिन वो मरम्मत इस तरीके से हुई कि जो पहले थोड़ा सा निकलना होता था वो भी बंद हो गया। हमें पूरा भरोसा है, इसलिए कि ये बहुत टेस्टेड है हम लोगों के, जब भी कभी कोई यहाँ परेशानी हुई या कोई समस्या हुई तो हम इनके द्वारा ही निराकरण यहाँ पर हो पाया, और आज भी जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन पर हम लोगों को पूरा भरोसा नहीं, पूरा विश्वास है, और निश्चित तौर पर उसको वो खड़े उतरेंगे और खड़े उतरते रहेंगे। और ये जो दिक्कत है हमारी, खासतौर पे जो काली मंदिर रोड पे जाने वाली श्रद्धालुओं के लिए,
नवरात्रि में वो दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी निकलने लायक जगह नहीं है रास्ते में, उसको चलने लायक पूरा करने का आश्वासन दिया है। और मैं जानता हूँ कि वो जो कहते हैं वही करते हैं, उनकी कथनी और करनी में आज तक कोई फर्क नहीं देखा गया। और वे इतने विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं कि हमसे हमेशा रोष रहा, लेकिन काम के मामले में उन्होंने हमेशा अगुवाई करके उस कार्य को पूरा किया है। इस आवास विकास में बहुत सारा निर्माण कार्य उन्होंने सड़कों का कराया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां यूपी उद्योग व्यापार मंडल ने प्रेस वार्ता कर ताला व्यापारियों की समस्या से प्रशासन को अवगत कराया है। वहीं उद्योग व्यापार के अध्यक्ष ने एसआईवी की छापेमारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारी व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। साथ ही शासन व प्रशासन की चेतावनी देते हुए कहा, अगर अधिकारियों का उनके प्रति ऐसा रवैया रहा तो फैक्ट्री व दुकानों की चाबी जिलाधिकारी को सौंप हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सरकार ये चाहती है कि रोज़गार बढ़े, जब रोज़गार बढ़ेगा तो टैक्सेस भी बढ़ेगा, और हम भी ये चाहते हैं बढ़े, जब बढ़ेगा तो देश हमारा तरक्की करेगा। लेकिन ये एसआईबी जो छापे मार रही है, इतने भयभीत कर देती है, इतना भयभीत कर दिया है कि वो कुछ कहती है कुछ सुनती हैं, अपने जो उन्हें लिखना होता है वही लिखती हैं। हमारे एसआईबी के डिप्टी कमिश्नर जो पंकज कुमार जी हैं, उनसे हमारा निवेदन है, हमने पहले भी कई बार कहा है कि अगर आपको कहीं भी हमारे व्यापारी पे शक है तो आप 5 व्यापारी को लेकर साथ में छापेबाजी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम छापे के विरोध में नहीं है, परंतु उनकी आड़ में जो नंबर 2 का काम करने वाले हैं उनको तो आपने खुली छूट दे रखी है, आपके कहने पे अपने जीएसटी नंबर भी दिलवाया। खबर अमेठी से है, जहां पिछले 4 दशक से परंपरागत रूप से चले आ रहे दुर्गा पूजा में इस बार ग्रहण लगता दिखाई पड़ रहा है। कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में जगह जगह पर दुर्गा पूजा के लिए पंडाल सजाए जा रहे थे, तभी अमेठी प्रशासन के द्वारा यह कहते हुए मना कर दिया गया कि सड़क पर कोई भी पंडाल नहीं लगाया जाएगा, इससे आवागमन में बाधा पड़ती है और आम जनमानस को तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, जिसको लेकर पूजा संचालन समिति ने आपात बैठक बुलाई। आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हमारा प्रतिनिधि मंडल अमेठी प्रशासन से मुलाकात कर अंतिम अनुरोध करेगा, यदि प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है तो इस बार अमेठी तहसील क्षेत्र में लगभग 67 दुर्गा पूजा पंडाल नहीं सजेंगे और ना ही किसी प्रकार का पूजा पाठ होगा। केंद्रीय पूजा समिति का मैं अध्यक्ष सोनू प्रसादन, और विगत 40 वर्षों से अमेठी में जो संपूर्ण दुर्गा पूजा महोत्सव के कार्यक्रम संपन्न होते हुए चला आ रहा है, उसी संबंध में वर्ष 2022 की बैठक कल रात में किया गया, कुछ बिंदु को लेकर जिस बिंदु में अमेठी प्रशासन द्वारा यह सीधे निर्देश दिया जा रहा है कि काली सड़क का 1 इंच जमीन मैं आपको नहीं दूंगी सजाने के लिए, यदि आप उस पर जबरदस्ती माता जी मूर्ति स्थापित करते हैं तो उसमें हम पुलिस कार्रवाई प्रशासनिक कार्रवाई कराएंगे। देवरिया के अबू बकर नगर में एक बच्ची दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी 2 नामक बीमारी से ग्रसित है। बच्ची का इलाज बेंगलोर बेस्टपीट अस्पताल में चल रहा है, जहां बच्ची को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत करोड़ों होने के चलते परिजनों ने पीएम मोदी और सीएम से मदद की अपील की है। इसको एक बीमारी है जिसको रेयर डिजीज कहते हैं, बहुत ही गंभीर बीमारी है ये, और इस बीमारी में बच्चे जो है बच नहीं पाते हैं, कितने लोगों को ये बीमारी पता भी नहीं चलती है और बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। हम लोग किसी तरीके से इस देवरिया से निकल के लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह गए, तो वहाँ से हम लोगों को जो है निराशा ही लगी, क्योंकि इसका इलाज नहीं था। गंगाराम में डॉक्टर आर के सब्रवाल द्वारा जो है इसको डायग्नोस किया गया, उस वक्त डॉक्टर ने कहा कि ये लाइलाज बीमारी है, अभी इस समय इसका कुछ किया नहीं जा सकता है, और आप लोग जो है फिलहाल इस बच्ची को बचाने की मुहिम को जारी रखिए और किसी तरीके से इस बच्ची को बचाइए, क्योंकि इसका इलाज जल्द ही आएगा।
बिजनौर में आज पितृ अमावस्या मनाई गई। ये श्राद्ध का अंतिम दिन होता है, इसलिए इसे पितरों की विदाई का दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। जब श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है तो मृत्यु लोक से पृथ धरती लोक में अपनी संतानों से मिलने आते हैं। इसी कड़ी में श्राद्ध पूरे होने के बाद अमावस्या के दिन श्राद्धों का समापन किया गया। वहीं लोगों ने बिजनौर गंगा बैराज पर जाकर स्नान किया और अपने पूर्वजों के लिए विधि विधान से श्राद्ध समापन किया। इस मौके पर गंगा बैराज पर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।